कैसे आप लोग, आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इन्फो अभी के इस नए वीडियो में। तो गाइज़ आप लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत कर रहा हूँ आज के हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों को बता दूँ सबसे पहले डिटेल में, आप लोगों के लिए बिहार पॉलिटेक्निक का जो चॉइस फिलिंग का डेट है वो आ चुका है। आपको मैंने इससे पहले ही बहुत दिन पहले अपडेट दे दिया था और चॉइस फिलिंग बस 2 दिनों के बाद स्टार्ट होने वाला है, यानी 6 तारीख से, 6 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में सारे डिस्कशन चलेंगे कि जिनके लो ब्रांच है वो क्या करें, चॉइस फिलिंग कर सकते हैं यानी उनका काउंसलिंग होगा या नहीं, क्या उन्हें सीट अलॉट किया जाएगा, अच्छा ब्रांच मिलेगा नहीं मिलेगा, सभी कुछ इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। और चॉइस फिलिंग से पहले बहुत ज़रूरी बात, चॉइस फिलिंग के समय आपको जिन बातों का ध्यान रखना है वो सभी इस वीडियो में डिस्कशन होगा। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा, और बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले एक छोटी सी बात आपको बता, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि मेरा इतना रैंक है तो इतना ब्रांच मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग ये वाला जो वीडियो है हमारा, इसका लिंक आपको आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा और एक डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड मैं करवाने की कोशिश कर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आप लोगों के जो भी डाउट है कि सर हमारा इतना रैंक है इस कैटेगरी में तो क्या हमें मिलेगा नहीं मिलेगा, इस वीडियो में मैंने 9 मिनट का लगभग ये वीडियो है, लेकिन पूरी अच्छी तरह से मैंने समझाया। जितने लोग भी इस वीडियो को देखे हैं अभी तक, सभी संतुष्ट है दिए गए इन्फॉर्मेशन से। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए, और बहुत सारे वीडियो पूरे प्लेलिस्ट बनी हुई है बिहार पॉलिटेक्निक की, तो आप लोग देखते जाइए। और जैसा इन्फॉर्मेशन इस चैनल द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है आपको कहीं नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है, आप लोग ये गारंटी मुझसे ले लो। तो चलिए अब हम मेन टॉपिक पे चलते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पे बिहार पॉलिटेक्निक की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिलती है इन्फो अभी को। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर, और बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए हम फटाफट आपको जरूरी बातें बता देते हैं। यहाँ पे तो आप लोग देख सकते हैं डीसीसी ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ पी, यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग का जो है वो काउंसलिंग 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। अभी पैरामेडिकल वाले पूछ रहे हैं, तो पैरामेडिकल वालों मैं बता दूँ आपका अभी नहीं है स्टार्ट हो रहा है, आपका में भी हो सकता है ऑफलाइन ही काउंसलिंग हो, उसके लिए आपको पटना भी जाना पड़ सकता है या फिर ऑनलाइन हो, ये तो आगे आगे जैसे जैसे नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए चलेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये जो ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल ऑफ DCCPE का 2019 है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका एक नया टैब ओपन हो जाएगा, और मैं यहाँ पे आपको डिटेल में सब चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए अभी बस ये बिजनेस रूल एंड सीट मैट्रिक्स वगैरह सब आ गया है, लेकिन यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक यहाँ पे जनरेट होगा, तो जैसे 6 तारीख होगा आपके सामने वो लिंक अवेलेबल हो जाएगा। आप लोगों को वहाँ पे जाकर अपना चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग क्या होता है सबसे पहले मैं ये आपको बता दूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें पता नहीं। चॉइस फिलिंग का मतलब होता है आप लोग को जो ब्रांच चाहिए, किस कॉलेज में चाहिए, ये आप यहाँ पर फिल करेंगे, अपना चॉइस फिल करेंगे। और चॉइस फिलिंग के समय बहुत सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए जो मैं अभी आपको बताऊंगा, और हो सके तो जैसे एक स्पेशल वीडियो सिर्फ चॉइस फिलिंग पे मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। और आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और जिनके लो मार्क्स है वो किस तरह से चॉइस फिल करें अब हम इस बात पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए जिन लोगों के लो मार्क्स हैं, अगर आपको लगता है कि आपको एडमिशन मिल सकता है, और मेरे जितने वीडियो मैंने दिखाए हैं आप लोग जरूर जाकर देखिएगा, उसके बाद आपको एक अनुमान एकदम मिल जाएगा कि हाँ मेरा एडमिशन होगा या नहीं या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद आपको मैं गारंटी देता हूँ 100% आप खुद से ये मतलब कि डिसीजन ले सकते हैं कि क्या हमारा चॉइस फिलिंग सही होगा। लेकिन मैं आपको एक बात जरूरी बता दूँ, चाहे कितना भी रैंक हो आपका, आप चॉइस फिलिंग एकदम 100% करवाइए, ठीक है। अगर चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे, फर्स्ट बार में रजिस्ट्रेशन आपका नहीं होगा, तो आपको सेकंड काउंसलिंग में चांस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर हो सकता है कि आपको सेकंड काउंसलिंग में अच्छा ब्रांच भी मिल जाए या नहीं भी मिलेगी, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन चॉइस फिलिंग करने के लिए सबसे पहले आपको चॉइस फिलिंग फर्स्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जो लोग उसे भूल जाते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि उनको सेकेंड चांस नहीं दिया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट शेड्यूल आपको मैंने बता दिया, 6 तारीख से मतलब कि स्टार्ट हो रहा है चॉइस फिलिंग। और चॉइस फिलिंग करते समय आप लोगों को ध्यान देना है कि आपको कौन सा ब्रांच मिल सकता है। अगर आपका रैंक जो है मान के चलिए, अगर आप जनरल से हैं और आपका रैंक जनरल कैटेगरी में जितना मैंने बताया है पिछले वीडियोस में उसके आसपास में है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल चाहते हैं तो उस हिसाब से ही आप अप्लाई कीजिए। इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो को आप देखने के बाद, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया जिस वीडियो का, उस वीडियो को एकदम विजिट कीजिए, 100% आप देखिए, उसके बाद आप चॉइस फिलिंग करेंगे। और एक स्पेशल वीडियो चॉइस फिलिंग जब स्टार्ट होगा तो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरह से आपको मतलब कि चॉइस फिल करना है। और अगर आप लोग एक रति भी गलती करते हैं चॉइस फिलिंग में, हल्का सा भी मिस्टेक हो जाता है आपसे, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आपको अच्छा सीट भी अलॉट होता रहेगा तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें अगर आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं,
तो एक नंबर पे हमेशा अच्छा ब्रांच डालें, जैसे कि सिविल इलेक्ट्रिकल हो गया। और अगर आपने एक नंबर पे अगर कंप्यूटर साइंस डाल दिया तो फ्रेंड्स ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी आपके लिए। कंप्यूटर साइंस आपको एक नंबर पे अगर आपने डाल दिया तो आपको वो सीट अलॉट कर दिया जाएगा। कोई ख़राब ब्रांच नहीं है, कोई सभी ब्रांच अच्छे होते हैं अपने में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपका रैंक अच्छा है और आपने गलत मतलब कि चॉइस फील कर दिया तो आपको गलत मतलब कि अच्छा सीट नहीं अलॉट किया जाएगा, क्योंकि वो देखते हैं कि आपको आपने प्रिफ्रेंस में क्या डाला है। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करेंगे। तो ये ज़रूरी बातें थी आपको चॉइस फिलिंग से रिलेटेड बतानी बतानी थी मुझे। तो अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए चॉइस फिलिंग के रिगार्डिंग। और हाँ, जो लोग भी कमेंट करते कि मेरा इतना रैंक है होगा नहीं, आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को विजिट कीजिए। सबके कमेंट का रिप्लाई देना बहुत मुश्किल है, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखें जो डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो नीचे में कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो दिल से कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। और क्या क्या बातें जाननी है आपको जरूरी, वो आप आने वाले अपडेट में मैं देता रहूँगा। तो दोस्तों फिर आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्फो अभी आपका हमेशा स्वागत करता है और आगे भी करता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे एक नए और एक्साइटिंग वीडियो में। चैनल पर अगर नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको बिहार पॉलिटेक्निक और ITC एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारे अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड किए जाते हैं और स्पेशल वे में प्रोवाइड किए जाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।